हेलो दगड़ियों, पलाक पड़ाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में, एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारे घर से ही स्टार्ट हो रहा है और अभी सुबह सुबह और मॉर्निंग से ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे घर के अंदर जो है वो धूप आना स्टार्ट हो चुकी है और लगभग समय जो है वो 9 बज रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरी बोरियत बोरियत वीडियो देख के बोर हो गए थे, तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी वीडियो बनाने के ढंग में और तरीके में। तो आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है कि आज हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये पूजा है पूरे गांव की सामूहिक पूजा और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से इस ब्लॉग को बनाएं। सो दोस्तों, आपको हम दिखाएंगे अपने गांव और मंदिर और वहां की कुछ खूबसूरती के नज़ारे। इस ब्लॉग में आप लोग बने रहें और जब तक मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें और साथ ही एक प्यारा सा कॉमेंट और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम मिलते हैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई, जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं वहाँ पर इनकी जो है वो सेतनी देखने को मिलती है और ये जो है आने वाले समय में क्रिकेट का नया इतिहास बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के बॉल को मारेंगे। तो पप कर दो, पप कर दो, अच्छी तरह से करो, इनका भी पप कर दो। हाँ, पप करो। हाँ, बस हो गया, अब बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बस हो गया, बाय हो गया ना, हो गया ना, बढ़िया हो गया ना, बढ़िया हो गया ना, बढ़िया हो गया ना। तो कल हमसे एक फूल का पेड़ जो है वो टूट गया था, तो इसमें से कुछ पुष्प तो हम ले जाते हैं मंदिर और कुछ का मैं कुछ बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अल्लाह कहाँ जी, अरे तो यहाँ पर ये सारे फूल मैंने ले लिए हैं और कुछ फूल जो है वो मंदिर के लिए रख दिए हैं और कुछ फूल का मैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाने वाला हूँ जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से सेट कर लिया है इसको और जैसा आप देख रहे हैं कि ये वीडियो में कुछ इस प्रकार से पूरा अच्छा सा गुलदस्ता बन चुका है। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा गुलदस्ता बना दिया है और इसको हम रख देंगे यहाँ पर जहाँ पर हम बैठ के काम करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। सो देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं लगा इसमें, जीरो पैसा, जीरो इन्वेस्टमेंट में मैंने एक प्यारा सा गुलदस्ता बना दिया है और इतने सारे फूल में जो है वो मंदिर के लिए ले जाता हूँ। तो भाई, हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या होता है कि जब कभी मंदिरों में पूजा होती है तो गाँव में जब पूरी ग्राम सभा की पूजा होती है तो सभी लोग जो है वो या तो पैसा इकट्ठा करके हल्द्वानी से जो मार्केट से सामान पूजा में लगता है वो मंगाते हैं या फिर अपने घरों से जो है थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं ताकि वहां जाके सामूहिक रूप से जो है उसको उसका प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाया जाए। उससे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया है वहाँ उस मंदिर का। तो भाई, भगवान को जो असली चीज चढ़ती है वो चढ़ते हैं फूल और फूलों के साथ पत्री, पत्ती का होना भी जरूरी है क्योंकि फूल और पत्री दोनों मिक्स करके हम लोग इसको ले जाते हैं। तो दगड़ियों, हम लोग निकलते हैं आप मंदिर की तरफ को और घर से सारा सामान पैक करके, पीछे आप लोग देख सकते हैं बैग में, इस बैग को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, मंदिर जाना हो चाहे चाहे कहीं जाना हो। तो भाई, ये है हमारा गांव। आज इस गांव के सभी लोग जो है इकट्ठा होकर के अपने भूमिया देवता की पूजा करने वाले हैं और हम आपको व्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो दगड़िया, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पहुंचने से पहले यहाँ पर कई सारे लोग पहुंचे हुए थे गांव के, क्योंकि आज गांव की पूरी सामूहिक पूजा है और यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए गुड़ का पानी बनाया जा रहा है और बच्चे भी यहाँ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो
शुद्ध तरीके से बना रहे हैं प्रसाद ये मंदिर में पूजा करने के लिए, और जो ये चीज़ बना रहे हैं इसको हम लोग टोपा कहते हैं। और इधर बगल में डेग में जो है वो खीर बनाने के लिए दूध रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से घरों से सामान लाके लोग अपने सामान को खाली करने जा रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ का अगर हम नेचुरल व्यू का देखें तो व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, धुंध टाइप की है क्योंकि आज कोहरा भी आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से आटा गूंदा जा रहा है ताकि आगे जो है पूरी बनाई जाएंगी जो कि बाहर सभी लोगों के खाने के लिए होंगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर गांव के सभी लोग यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कुछ श्रद्धालुगण यहाँ पर प्रसाद बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और प्रसाद बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से प्रसाद की घुटाई कर रहे हैं। और अगर इस डेग की जगह कढ़ाई होती तो कढ़ाई में काफ़ी अच्छा प्रसाद बनता। तो कुछ इस प्रकार से ये लोग लगे पड़े हैं प्रसाद बनाने में और हम अपनी वीडियो बनाने में मस्त हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर लेखागार का काम सौंप दिया गया था क्योंकि कुछ कुछ सामान तो हम सभी लोग घर से ले गए थे और कुछ कुछ सामान जो है वो बाज़ार से भी आया हुआ था, जिसमें सभी प्रत्येक परिवार को 200 रुपये जमा करके सामूहिक पूजा को सम्पन्न किया गया।